गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक, कम ऑन टू पेज नंबर 24. टुडे ऑल्सो वील कंटिन्यू विद दिस स्टोरी तेनाली रामा दी सेकेंड, बट टुडे वील फिनिश द स्टोरी. फाइन, सो फर्स्ट अंडरलाइन द वर्ड केसवा, पायसम, क्विकली, बाउड, डिलाइट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ पायसम. पायसम क्या होता है? पायसम एक डिश होती है, एक स्वीट डिश होती है, जो कि मिल्क, राइस और शुगर से बनती है, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. लिटिल तेनाली नाउ साइड, ओनली आई कैन सॉल्व केसवास प्रॉब्लम. ही देन आस्ट, व्हाट डिड यू लाइक मोर, केसवा, पम्पकिन और पायसम? अब लिटिल तेनाली जो था, जो तेनाली राम का रोल प्ले कर रहा था, वो गहरी सांस भरता है और कहता है कि अब तो मैं ही केसवा की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा. और फिर केसवा से पूछता है कि केसवा, तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, पम्पकिन या पायसम? पायसम सेड केसवा. केसवा कहता है कि मुझे पायसम ज़्यादा पसंद है. द नेक्स्ट टाइम द काउ ईट्स योर पम्पकिन, क्विकली मिल्क हर. यू कैन मेक पायसम विद मिल्क और सेल इट टू बाय सम पम्पकिन, तेनाली सेड. अब तेनाली केसवा से कहता है कि अगली बार जब काउ तुम्हारे पम्पकिन खाने आए, तुम जल्दी से उसका दूध निकाल लेना, ठीक है, और उस दूध से तुम पायसम बना लेना, या तो उस दूध को बेच कर पम्पकिन खरीद लेना उससे. द मैन गॉट अप, वेंट टू लिटिल तेनाली एंड बाउड लो. और जो मैन इन बच्चों का रोल प्ले देख रहा था, वो खड़ा हुआ और तेनाली के पास गया और तेनाली के सामने झुक गया. ठीक है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट पे करते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, तब हम थोड़ा सा झुक जाते हैं. ठीक है, तो उसी तरह वो मैन जो था, वो तेनाली के सामने, उस लिटिल तेनाली के सामने जाके झुक गया. ही सेड, यू आर एज क्लेवर एज द रियल तेनाली. ही देन वॉक्ड अवे. और वो लिटिल तेनाली से कहता है कि तुम सच में बिल्कुल जो रियल तेनाली है उसी की तरह क्लेवर हो. क्लेवर का मतलब मैंने बताया था, क्लेवर मीन्स चतुर, चालाक, है ना, इंटेलिजेंट. और फिर वो वहां से चला गया अपने रास्ते. टर्निंग एट अ कॉर्नर ही स्टॉप्ड एंड लाफ्ड अलाउड इन डिलाइट. और एक कॉर्नर में जाके वो रुका और जोर जोर से हंसने लगा खुशी से. वेल तेनाली, ही सेड टू हिमसेल्फ, यू थॉट यू वर सो क्लेवर, बट अ 10-year-old बॉय हैज बीटन यू. और वो अपने आप से कहता है कि तेनाली, तुम सोच रहे थे कि तुम ही बहुत क्लेवर हो, लेकिन वो 10 साल के छोटे बच्चे ने तुम्हें हरा दिया, तुम भी इतना नहीं सोच पाते, है ना. तो वो जो मैन था, वो जो इन बच्चों का प्ले देख रहा था, वो कौन था? वो एक्चुअली में रियल तेनाली था, वो रियल तेनाली था. ठीक है, तो वो अपने आप से कहता है कि तुम सोच रहे थे कि तुम ही बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं, उस छोटे बच्चे ने तुम्हें हरा दिया. फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीट. टुमारो विल स्टार्ट द रिटन वर्क.